नमस्कार, आप देख रहे हैं दरभंगा लाइव न्यूज। मैं रवि कुमार गुप्ता हाजिर हूं दरभंगा की आम खबरों के साथ। सबसे पहले हेडलाइन, जल जमाव से मुक्ति के लिए 6 घंटों तक बंद रहा दरभंगा बेनीपुर पथ। एसएसपी ने किया नेहरा सहायक थाना का निरीक्षण। बीआरसी हायाघाट में बिहार राज्य शिक्षक समन्वय समिति की बैठक आहूत हुई। विश्वविद्यालय वाणिज्य विभाग के सभागार में सूचना का अधिकार पर एक कार्यशाला का विमोचन हुआ। डीएम ने कहा प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के लाभार्थियों को अभियान चला करके किसान क्रेडिट कार्ड दिया जाए। 29 फरवरी को बिरौल में एडीआर प्रणाली पर जागरूकता शिविर का होगा आयोजन। अब खबरें विस्तार से। अब करवाएं अपनी बिटिया का एडमिशन हॉली मिशन गर्ल्स हाई स्कूल सैदनगर लहरियासराय दरभंगा सीबीएसई कैरिकुलम न्यू दिल्ली के आधार पर। यहां कक्षा प्री से 10वीं तक की पढ़ाई होती है। हमारा मोटो स्पेशली बच्ची को ऑलराउंड डेवलपमेंट इन एनी एक्टिविटी और कंपटीशन पर है। तो आज ही आए हॉली मिशन गर्ल्स हाई स्कूल सैदनगर दरभंगा। ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज भी उपलब्ध है हर एक चौक चौराहे के लिए। रजिस्ट्रेशन एंड एडमिशन चालू है 2020 से 21 के लिए। अधिक जानकारी के लिए हमारा मोबाइल नंबर 9431219670, दूसरा 9534600078, तीसरा 9297907777। 50 वर्षों से आपका विश्वासी दुबे क्लिनिक अपने उत्कृष्ट सेवाओं के लिए कई राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय अवार्डों से सम्मानित डॉक्टर सुनील दुबे के द्वारा सभी तरह के यौन रोग, गुप्त रोग एवं चर्म रोगों का सफल इलाज निसंतान दंपत्ति एक बार अवश्य मिले। डॉक्टर सुनील कुमार दुबे पूरे हिंदुस्तान में दुबे क्लिनिक गुप्त रोगों के इलाज का नंबर 1 क्लिनिक है। दुबे क्लिनिक सुभाष मार्केट लंगर टोली चौराहा पटना। प्रिंटिंग की दुनिया का ऑल इन वन सॉल्यूशन एमएस ग्राफिक्स। जी हाँ, यहाँ प्रिंटिंग से संबंधित सारे कार्य एक जगह उपलब्ध है, जैसे कि फ्लेक्स प्रिंटिंग, विनाइल, लाइट बोर्ड, वन वे विजन, विजिटिंग कार्ड, सर्टिफिकेट, आईडी कार्ड, कैलेंडर, हैंडविल, पैम्पलेट्स आदि। प्रचार प्रसार के लिए हमारे यहाँ प्रचार प्रसार के लिए रिक्शा भी उपलब्ध है। तो है ना ऑल इन वन सॉल्यूशन एमएस ग्राफिक्स। आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं, हमारा पता सुभाष चौक नियरली शोरूम। हमारा मोबाइल नंबर है 8409180860, दूसरा 6200851973। जल जमाव से परेशान नगर क्षेत्र के गांधीनगर कटरैया के लोगों का आक्रोश आज खुलकर सामने आ गया। मोहल्ला वासियों ने सड़क पर उतरकर आंदोलन शुरू कर दिया और इसी क्रम में दरभंगा बेनीपुर मुख्य सड़क पर धरना देकर आवागमन ठप कर दिया, जिसके कारण इस मार्ग पर 6 घंटे तक यातायात ठप हो गया और वाहनों की लंबी कतार लगी रही, जिससे आम लोगों को परेशानी हुई। जल जमाव से पीड़ित मोहल्ला वासियों के निशाने पर सांसद, विधायक, महापौर, जिला प्रशासन और निगम प्रशासन था। घंटों आंदोलनकारियों ने इन लोगों के विरुद्ध जमकर नारेबाजी की। आंदोलनकारियों ने सड़क पर आगजनी कर पुतला दहन भी किया। आंदोलन की शुरुआत सुबह 8:30 बजे से शुरू होकर के दिन के 2:30 बजे प्रशासन के लिखित आश्वासन के बाद रास्ता चालू हो सका। प्रशासन ने 48 घंटे के अंदर पानी निकासी का आश्वासन दिया और तभी से कच्चा नाला निर्माण कार्य शुरू हो गया। एसएसपी बाबूराम ने आज शुक्रवार को नेहरा सहायक थाना का औचक निरीक्षण किया। आज दिन के करीब 4 बजे थाना पहुंचे एसएसपी ने गुंडा पंजी, लूट पंजी, वारंट पंजी सहित थाने के अन्य पंजियों का अवलोकन किया। अवलोकन में सभी पंजी अद्यतन स्थिति में पाया गया। उन्होंने लंबित वर्ष 2019 की कुर्की जब्ती के शीघ्र निष्पादन के साथ ही पूर्ण शराबबंदी के लिए पंचायत स्तर पर अभियान चलाने एवं जनप्रतिनिधि तथा गणमान्य व्यक्तियों की कमेटी गठन करने का निर्देश दिया। इसके लिए आम लोगों की मदद लेना एवं उन्हें
उनकी बुराइयां से होने वाली परेशानियों के प्रति जागरूक करने की सलाह भी दी। ईआरसी हायाघाट में बिहार राज्य शिक्षक समन्वय समिति की बैठक आहूत की गई। बैठक की अध्यक्षता बिहार पंचायत नगर प्रारंभिक शिक्षक संघ मूल के जिला अध्यक्ष रेजा उल्ला ने किया। बैठक में बिहार पंचायत नगर प्रारंभिक शिक्षक संघ मूल के प्रखंड अध्यक्ष फूल कुमार झा, बिहार राज्य प्रारंभिक शिक्षक संघ के मोहम्मद कमरे आलम ने भाग लिया। बैठक में सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया है कि बिहार राज्य संघर्ष समिति के आह्वान पर पूरे राज्य की भांति हायाघाट प्रखंड में हड़ताल की स्थिति के लिए सभी स्कूल स्तर पर समन्वय समिति बनाई जाए, उसी के देखरेख में सभी विद्यालयों का अनुश्रवण किया जाएगा। विश्वविद्यालय वाणिज्य विभाग के सभागार में सूचना का अधिकार पर एक कार्यशाला एवं पुस्तक कॉम्पेंडियम ऑफ आरटीआई केसेस का विमोचन किया गया। विषय प्रवेश करते हुए विश्वविद्यालय के लोक सूचना पदाधिकारी प्रोफेसर नवीन कुमार अग्रवाल ने कहा कि इस सभागार में 1 दिसंबर 2018 को इसी विषय पर एक कार्यक्रम आयोजित हुआ था। कुलपति के दिशा निर्देशों में आरटीआई के क्षेत्र में विश्वविद्यालय द्वारा काफी उल्लेखनीय कार्य किया गया है। उन्होंने बताया कि 2018 में 123 देशों की रैंकिंग में भारत का दूसरा स्थान है और भारत में बिहार का पहला स्थान है। देश में विश्वविद्यालयों के क्षेत्रों में अपने विश्वविद्यालय को आरटीआई में उत्कृष्ट कार्य करने के लिए प्रथम अवार्ड मिला है। जिलाधिकारी दरभंगा डॉक्टर त्यागराजन एसएम ने कहा कि किसान क्रेडिट कार्ड योजना अंतर्गत राज्य के सभी स्वीकृत प्रधानमंत्री किसान सम्मान योजना के लाभार्थियों को मिशन मोड में किसान क्रेडिट कार्ड उपलब्ध कराया जाएगा। इस कार्य हेतु भारत सरकार द्वारा 15 दिनों की अवधि निर्धारित की गई है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की परिपूर्णता हेतु दिनांक 12 फरवरी से 27 फरवरी 2020 के बीच विशेष अभियान चलाया जा रहा है। इस अभियान के तहत जिला के स्वीकृत किसान सम्मान निधि योजना के 1,86,476 लाभार्थियों को किसान क्रेडिट कार्ड उपलब्ध कराने हेतु सभी बैंक प्रबंधकों को निर्देशित किया गया है। वे कार्यालय प्रकोष्ठ में मीडिया प्रतिनिधियों को संबोधित कर रहे थे। मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी सह सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकार दरभंगा दीपक कुमार द्वारा बताया गया है कि दिनांक 29 फरवरी 2020 को व्यवहार न्यायालय बिरौल परिसर में ADR प्रणाली के माध्यम से मुकदमों का निष्पादन कराने हेतु जागरूकता शिविर का आयोजन किया जाएगा। इस शिविर में आम लोगों को न्यायिक वादों विवादों का निस्तारण हेतु अपने केस को वैकल्पिक विवाद निस्तारण ADR प्रणाली में ले जाने की प्रक्रिया के बारे में लोगों को जानकारी प्रदान की जाएगी। इस प्रणाली में दो पक्षों के बीच आपसी समझौता, मध्यस्थता, सुलहनामा के जरिए विवादों को खत्म किया जा सकता है। यह वीडियो आप फेसबुक पे देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को लाइक करें, यूट्यूब पे देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।